आपको चंद्रयान व्रत साधना करनी है तो उसके लिए संकल्प करा रहा हूँ मैं आपको। इस संकल्प के माध्यम से आप 16 जुलाई मंगलवार गुरु पूर्णिमा से 15 अगस्त श्रावणी पूर्णिमा तक एक विधिवत सुनियोजित जप संख्या के माध्यम से आप साधना करेंगे, जिसका आपने विस्तार से विवरण सुना, और षटकर्म करके देवाहवन करके आप ये संकल्प लेंगे जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। आपने षटकर्म न किया हो तो कर लें, और देव आवाहन करके शुद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपति नमः, ये सब के बाद आप इसको गुरुदेव का आवाहन करके फिर इसको करें। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे भूर्लोके जम्बीदूपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तिक देशांतर्गते। अब इसके बाद अपने अपने देश का नाम, यदि कोई संकल्प के बाहर के लोग हों जो भारत से बाहर के हों वो अपने देश का नाम ले सकते हैं। यदि कोई संकल्प में भारत से बाहर के साधक भाई बहन जुड़ रहे हैं तो वो अपना नाम यहाँ पे ले लें, यहाँ उन देशों का नाम ले लें, और फिर उस राज्य और क्षेत्र का नाम बोलें यहाँ पर जिस राज्य में आप रह रहे हैं। जैसे आप रहते हैं अमेरिका में कैलिफोर्निया में, तो आप कैलिफोर्निया क्षेत्र ऐसा बोल सकते हैं। स्थले 2076 विक्रम संवत्सरे मासानाम मासोत्तमे मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्याम तिथौ, कल चतुर्दशी है, जिस समय आप संकल्प ले रहे हैं उस समय चतुर्दशी है, सोमवासरे आप अपना नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे। आपको अगर अपना गोत्र न मालूम हो तो गुरु गोत्र भारद्वाज गोत्र बोल सकते हैं, उसके साथ बोलें गोत्र उत्पन्न अपना नाम बोलें। नामाहम सत् प्रवृत्ति संवर्धनाय, जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ रिपीट करते जाएंगे, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये, अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम देव संगतिकरण सामूहिक चंद्रायण मास पारायण अनुष्ठान निमित्तकम। आप जितना आप जप करना चाहते हैं, जैसे आप ये लिखें कि कहें कि हम 42 माला करेंगे, हम 24 माला करेंगे, हम 40 माला करेंगे, आपकी इच्छा पर है जितना जप करें, और जैसा आहार जो है वो आप लेने वाले हैं वो सद्गुरु से निवेदन करें मन ही मन। कर्म संपादनार्थम संकल्पम वयम करिष्य, वयम इसलिए बोलना जरूरी है कि हम सामूहिक संकल्प करा रहे हैं, तो वयम करिष्य ये इसके बाद हाथ में जो अक्षत आपने लिए थे उनको गुरुदेव माता जी के चित्र के सामने छोड़ दें। इस संकल्प के साथ ही आपका अनुष्ठान चालू हो जाता है।